कौन है वाघमारे, क्या पहली बार करेंगे विकी कौशल कॉमेडी, कैसे हुई फिल्म में विकी कौशल की एंट्री, कैसा होगा विकी कौशल का किरदार। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रह स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। करण जौहर की अपकमिंग फिल्म गोविंदा नाम मेरा में हमें तीन लीड एक्टर्स नजर आने वाले हैं, जिसमें विकी कौशल, भूमि पांडेकर और कियारा आडवाणी शामिल है। ये वो पहली फिल्म होगी जिसमें विकी कौशल पहली बार कॉमेडी करते हुए नजर आने वाले हैं। इससे पहले तक तो विकी ने एक्शन और रोमांटिक फिल्मों में ही काम किया है, उनकी अब तक कॉमेडी जॉनर से मुलाकात ही नहीं हुई है। वैसे उनको इस फिल्म में कॉमेडी करने का मौका मिला है तो सिर्फ वरुण धवन के कारण, क्योंकि अगर वो अपने शूटिंग डेट्स की कमी होने की वजह से इस फिल्म को मना नहीं करते तो करण जौहर विकी को कैसे सेलेक्ट करते। आपको बता दें कि फिल्म में विकी कौशल गोविंदा वाघमेरे नाम का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। इनके कैरेक्टर के नाम से ही फिल्म का टाइटल इंस्पायर्ड है। वैसे फिल्म हमारे गोविंदा वाघमेरे की मिसेज वाघमेरे बनेंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पांडेकर, जिन्हें कुछ इसी तरह के रोल में फिल्म पति पत्नी और वो में देखा होगा। अभी तक फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं की गई है, जिसका कारण है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। क्योंकि करण अभी तक इस फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं और कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक उनके क्वारंटीन का समय खत्म होते ही वो इस फिल्म की शूटिंग भी खत्म कर लेंगे। करण की माने तो वो जब तक इस फिल्म से फ्री नहीं हो जाते तब तक वो फिल्म गोविंदा नाम मेरा को फ्लोर पर नहीं लाएंगे। वहीं आगे बात की जाए, हाल ही में फिल्म गोविंदा नाम मेरा के तीन पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं। इन पोस्टर्स में भूमि पांडेकर, कियारा आडवाणी और विकी कौशल तीनों रेट्रो अवतार में नजर आ रहे हैं। विकी कौशल की बात करें तो इन दिनों कैटरीना कैफ के साथ शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म के अलावा विकी कौशल जल्द हमें सैम बहादुर फिल्म में नजर आएंगे। वहीं भूमि पांडेकर रक्षाबंधन और बधाई हो 2 जैसी फिल्में कर रही हैं। तो कियारा आडवाणी भूल भुलैया 2 और जुग जुग जियो में नजर आएंगी। फिल्म गोविंदा मेरा नाम अगले साल 10 जून को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। तो आप लोग बताइए कि विकी कौशल को कॉमेडी करते हुए देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही कुछ और नई फिल्मों की अपडेट्स जानने के लिए फॉलो करें बॉलीग्रह स्टूडियोज को। धन्यवाद।